जैसा कि आज आपने टॉपिक देखा, आज जो मेरी वीडियो है उसी टॉपिक पे होने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वॉलपेपर को लगाने से पहले आपके दीवार का जो पेंट होता है वो किस कलर का होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई आने वाले समय में वॉलपेपर लगाने के बाद में प्रॉब्लम ना हो, बाद में आप बोलें कि यार मैंने वॉलपेपर भी लगा लिया लेकिन दीवार का जो पेंट है वो उसका अक्स आ रहा है। ठीक है, आज मेरी वीडियो इसी बेस पे होने वाली है, तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैंने बाल कट चुके हैं, आज मैं बहुत ही थोड़ा साफ़ सुथरा लुक लग रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जो साफ़ सुथरी वीडियो, जिससे आपका भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि मैंने जो टॉपिक जो मेरा आज का है वो ये टॉपिक है कि क्या ऐसी गलती ना करें जिससे आपने वॉलपेपर भी लगवाया, वॉलपेपर लगवाने के बावजूद आपकी दीवार का जो पेंट है वो उसका अक्स आपके वॉलपेपर के बाहर दिख रहा है। कुछ जगह पर ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जहाँ पर देखा गया कि वॉलपेपर भी लग गया और उसके बावजूद जो ऊपर का अंदर का पेंट था वो बिल्कुल साफ बाहर क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसी मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आपके आने वाले समय में आपको इससे जो प्रॉब्लम आती है उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका वॉलपेपर भी अच्छा लगने लगे। ठीक है, आज वैसे लॉकडाउन खुल गया है, मैंने अपने बाल बाल कटवा लिए तो मेरा लुक भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है एज अ प्रोफेशनल। पहले भी प्रोफेशनल था, हैंडसम था मेरा लुक, लेकिन अभी ज़्यादा हैंडसम लुक दिख रहा है क्योंकि बाल बाल मेरे कट चुके हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा देर ना करके वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आप पेपर देख रहे हैं, ये पेपर है, इसे डिज़ाइनर पेपर बोलते हैं, डिज़ाइनर। और इसको अगर आप उसमें देखें, अरबी में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कि मुसज्जर, अरबी में बोलते हैं मुसज्जर। एक्चुअली मैं सऊदी अरब में ये डेकोर के उसमें हूँ, लाइन में हूँ, तो इसको अरबी में बोलते हैं मुसज्जर, लेकिन मैं अरबी की ज़बान नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी की ज़बान बोल रहा हूँ, तो मैं हिंदी की भाषा में ही बताऊँगा आपको क्या करें। गाइस, कभी भी अगर आप पेपर लगवाने जा रहे हैं तो कभी भी जो आपकी दीवार है वो डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए। डार्क, सपोज डैट डार्क रेड हो गया, डार्क ब्लू हो गया, डार्क येलो हो गया, डार्क कोई भी कलर डार्क नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि आपने डार्क पेपर आपका जो पेंट है वो डार्क पेपर लगवा लिया, बाद में अगर आप ये पेपर लगवाते हैं, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे कलर है वहाँ पर तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये वाइट पेपर आएगा, सपोज डैट ये आएगा ऐसी, तो यहाँ पर पेंट का अक्स आपको बाहर दिखाई देगा, यानी कि जो आपका जो पेंट पहले से था दीवार में उसका अक्स आपको बाहर दिखाई देगा, जिससे कि आपको आप बोलोगे यार मैंने वॉलपेपर भी लगवा लिया और उसके बावजूद पेंट दिख रहा है, कैसा कारीगर था, कैसा पेपर है, कैसा ये है, कैसा वो। तो मैं नहीं चाहता कि बाद में आप या ऐसा ऐसी बात बोलो या आपको बुरा लगे कि यार पैसा भी खर्चा कर रहा हूँ, कोई बेनिफिट भी मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, कभी भी आपका अगर रूम डार्क कलर का है तो कभी भी उस पर आप हल्के पेपर नहीं लगवाएं, हल्के वाइट हल्का हो गया, कोई भी पेपर हल्के ही होते हैं। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनदार पेपर लगवा सकते हैं जिसमें डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जो है जैसे कि फूल ताम झाम ये वो होती है, वो आप लगवा सकते हैं, लेकिन कभी भी हल्के पेपर का पेपर डार्क पेंट पर कभी ना लगाएं। If you have dark color in your paint, never put little lightly like this wallpaper. Never put, because then after some days, after some month, you will see big problem in your room. Then you will thinking, oh, this wallpaper is very bad, this company is very bad. So I don't like this. Please guys, ये मेरी वीडियो का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। और गाइस, मैं खाली वॉलपेपर में ही यानी कि वीडियो नहीं बनाऊँगा, मेरी जो वीडियोस रहेंगी वॉलपेपर पे भी होंगी, आपकी जो छत देख रहे हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊँगा, छत पे आप क्या डिज़ाइन करें, और ज़मीन पे भी बनाऊँगा कि ज़मीन पे आप क्या डिज़ाइन करें जिससे कि ज़मीन भी आपकी लाइक वॉलपेपर जैसे चमकने लगे। ठीक है, और बहुत सारे मेरे पास आइडियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फोम, स्टील फाइबर और फोम फाइबर, फाइबर बॉर्डर, बहुत सारे डेकोरेशन रिलेटेड हैं, खाली वॉलपेपर ही नहीं मेरे पास में, बहुत सारे ऐसे मेरे डेकोर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पसंद करें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो होंगी मैं ऐसे फालतू टॉपिक नहीं बनाऊंगा,
ये सिर्फ आपके फायदे के लिए बना हुआ, सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि आज की जो दुनिया है ना वो बहुत ही डेवलपमेंट कर रही है यार। डेवलपमेंट के साथ में साथ साथ बहुत ही 3D, 4D, 5D, 6D, 7D का आज का चलन है आज का। आज लोग पेंट नहीं मांगते, आज लोग घर बनवाते हैं तो सबसे पहले चॉइस करते हैं वॉलपेपर कौन सा लगवाएं, ज़मीन पे वुड फ्लोरिंग कौन सी करवाएं, छत पे कौन सा डिज़ाइन करवाएं, जिससे कि वो लेटते हैं तो उनको डिज़ाइन छत पे दिखाई दे। आज का ज़माना वो है। तो ठीक है, मैं आपको ऐसी वीडियो बहुत सारी बनाऊंगा, लेकिन धीमे धीमे आप मुझे कमेंट्स करें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, वुड फ्लोरिंग को लेकर, फोम को लेकर, स्टील को लेकर, फोम स्टील को लेकर और फाइबर को लेकर, बहुत सारी वीडियोस हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए। चलिए, बाय, टेक केयर।